राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण किया गया। दरअसल इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को बाड़मेर कोर्ट परिसर में किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज पर धन वसूली के प्रकरण, विद्युत विभाग के बकाया बिलों के प्रकरण, BSNL के बकाया बिलों से संबंधित प्रकरण और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों व उपभोक्ता संरक्षण मंच में लंबित प्रकरण एवं अन्य सिविल मामलों का आपसी राजीनामे से निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण किया गया। दरअसल इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को बाड़मेर कोर्ट परिसर में हुआ। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज पर धन वसूली के प्रकरण, विद्युत विभाग के बकाया बिलों के प्रकरण, BSNL के बकाया बिलों से संबंधित प्रकरण और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों व उपभोक्ता संरक्षण मंच पर लंबित प्रकरण एवं अन्य सिविल मामलों का आपसी राजीनामे से निस्तारण किया गया। दरअसल वर्ष 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को प्रदेश भर में किया गया। हाईकोर्ट से लेकर प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की गई। इन लोक अदालतों में आपसी समझाइश के मामलों का निस्तारण किया गया। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 499 बैचों का गठन किया गया था। हाईकोर्ट जयपुर पीठ के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी व मुख्य पीठ जोधपुर में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने सुबह 10 बजे लोक अदालत का शुभारंभ किया। प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में 490 बैचों का गठन किया गया, जिसमें लाखों मामले सूचीबद्ध किए गए। मार्च को जिसपे आपसी राजीनामों की वजह से और सहमति की वजह से जितने भी कंप्रोमाइज होते हैं उनके लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसमें इसका जो लोक अदालत का मूल मंत्र है, न किसी की हार न किसी की जीत, दोनों ही पक्षों को साथ में बिठाकर उनको समझा कर अपने जो भी है मतलब इस कोर्ट की न्यायालय की जो लड़ाई में लड़ते हैं उन पक्षों को आपसी समझाइश के माध्यम से समझा कर उनको राजीनामे के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसमें हमारे आज भी MSCT कोर्ट में, ADJ कोर्ट में और AGM में, सारे कोर्टों में बहुत सारे राजीनामों की वजह से फैसले हुए हैं और इसके अथक प्रयासों से प्रयास रंग भी ला रहे हैं। और उसका मुख्य रीजन ये है कि लोगों में जो छोटी छोटी बातों पे मन मोटाव होता है उसकी वजह से कोर्ट कचहरी थानों तक मुकदमे पहुंच जाते हैं। उन मुकदमों को माननीय न्यायालय द्वारा, जुडिशी अधिकारियों द्वारा और अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को प्रेरित कर ज़्यादा से ज़्यादा लोक भावनाओं से राजीनामा की भावना पैदा करके लोगों में प्रेरित करके और राजीनामे का प्रयास करवाया जाए। बाड़मेर में शनिवार को कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें राजीनामा योग्य क्रिमिनल मैटर NI एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण MSTI के मामले, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण एवं राजस्व संबंधी मामलों के साथ ही प्री लिटिगेशन के मामलों पर विचार विमर्श आपसी राजीमंदी से कई प्रकरणों का हतोहत निस्तारण किया गया। इस दौरान कई अधिवक्ता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।